बता दियो सर, ऐसे कर दें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम आदाब सत श्री अकाल। तो दोस्तों, एक लंबे टाइम के बाद हम मिले हैं। मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है, बड़ा स्कूल के संस्थापक श्री रवि गुरुजी ने एक बहुत अच्छी मुहिम की शुरुआत की थी कि जो बच्चे इतना पैसा देकर पढ़ नहीं सकते, वो घर बैठे निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो दोस्तों, कोरोना का कहर रहा पूरे 2021 में भी, 20 की तरह ही, तो इस प्रकार हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन आज से सीजी क्लासेज भुना और बड़ा स्कूल पर आपको डेली वीडियो देखने को दोस्तों मिलेगी। निःशुल्क वीडियो हैं, आप कमेंट करें और आप जो जिस भी विषय पर वीडियो चाहें हमें कमेंट सेशन में लिख के भेजें, ताकि हम उसी विषय पर आपको अध्ययन सामग्री प्रोवाइड करवा सकें। दोस्तों देखेंगे समसामयिक, जैसे मैंने लिख रखा है, करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया। ये क्वेश्चन है दोस्तों, कब मनाया गया है, हाल ही की बात है। तो हाल ही में बात करूं मैं दोस्तों 19 नवंबर को हमने क्या मनाया है, अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस है, इंटरनेशनल टॉयलेट डे मनाया है। इसी दिन एक और दिन भी आता है दोस्तों, और दिन को ना सा विश्व पुरुष दिवस, इंटरनेशनल मेंस डे, विश्व पुरुष दिवस भी हमने इसी दिन मनाया। ठीक है, अगर पूछ ले विश्व पुरुष दिवस कब मनाया, तो ये भी हमने कब मनाया था, ये हमने। अगर पूछ ले राष्ट्रीय बाल दिवस, विश्व बाल दिवस पूछ ले, इंटरनेशनल चाइल्ड डे, विश्व बाल दिवस पूछ ले, विश्व बाल दिवस, तो ये आपका मनाया गया 20 नवंबर को। और पूछ ले आपसे राष्ट्रीय बाल दिवस, अगर पूछ ले राष्ट्रीय बाल दिवस है, तो याद करो आप किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा जी के नाम से, उपनाम से पुकारे जाते थे। राष्ट्रीय बाल दिवस की बात करूं तो दोस्तों 14 नवंबर को हमने बनाया। 14 नवंबर की बात को ऐसे याद रखना है, बात है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब जन्म होता है, 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था, और 27 मई 1964 को ये हमें छोड़कर चले गए। और बात करूं दोस्तों, ये कितने समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो 15 अगस्त 1947 टू 27 मई 1964, यानी कि लगभग 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो लगभग 17 वर्षों तक। ठीक है, तो विश्व पुरुष दिवस पूछे तो भी 19 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस पूछे तो 19 नवंबर, विश्व बाल दिवस पूछे तो 20 नवंबर, और राष्ट्रीय बाल दिवस पूछे तो 14 नवंबर। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, इतनी बातें हमें यहाँ से ध्यान करनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, बिल्कुल कोई संशय संदेह इसमें नहीं है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। HD क्वालिटी वीडियो बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, पूरी जो रामफल टीम है, बड़ा स्कूल की और सीजी क्लासेस भुन्ना की, रामफड़ और राम सिंह टीम निरंतर आपके लिए बढ़िया वीडियो एडिटिंग करके प्रोवाइड करवाते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए कि आप लोग इन वीडियो को प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेशन में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। अब बात आएगी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, राष्ट्रीय दुग्ध। ठीक है, तो कब आएगा, तो कब ये मनाया गया, ये मनाया गया 26 नवंबर 2021 को क्या मनाया गया, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसी दिन राष्ट्रीय संविधान दिवस भी था, ठीक है ना, राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को ही क्या था, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, प्रथम बैठक की मैं बात करूं तो 9 दिसंबर 1946 को, अगर मैं सेकंड बैठक की बात करूं तो 11 दिसंबर 1946 को, और थर्ड बैठक कब हुई, तो ये हुई 13 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट मेंबर स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो ये बैठकें होती हैं, और संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन प्रत्येक वर्ष 26 तारीख को ही क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान को बनने में दोस्तों 2 वर्ष लगे,
दो वर्ष ग्यारह महीने और 18 दिन का टाइम लगा। लगभग तीन साल का 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। तो दोस्तों आपको ये बातें पता होगी, देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और आता है कि राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की पूछ ले या एकता सद्भावना दिवस, सुशासन दिवस है, तो 31 अक्टूबर को उनका जन्मदिन हुआ था। एक तो कहलाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया और एक आयरन लेडी ऑफ इंडिया, जो मतलब इंदिरा गांधी की उस दिन डेथ हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को और 31 अक्टूबर 1865 को जन्म हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। तो इस प्रकार से 31 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, सुशासन दिवस, राष्ट्रीय एकता अखंडता दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। अब बात दुग्ध की आई, तो दुग्ध किससे संबंधित, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का जनक अगर पूछ ले इसका किससे है, तो दुग्ध से है, दूध से संबंध है श्वेत क्रांति का। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और श्वेत क्रांति का जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है। अगर पूछ ले अमूल दूध की डायरी कहाँ है, अमूल दूध संयंत्र कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा आनंद गुजरात में। गुजरात से आपको एक बात और भी याद रखनी है कि देश की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ खुली थी, तो बड़ोदरा में, आपका गुजरात में है। तो अमूल दुग्ध संयंत्र कहाँ है, आनंद गुजरात में। श्वेत क्रांति जनक वर्गीज कुरियन, दूध ऑपरेशन फ्लड दूध। श्वेत क्रांति के जनक भारत में कौन है, वर्गीज कुरियन है। इन्हीं के जन्मदिन के ऊपर 26 तारीख को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम मनाने का कार्य करते हैं। अब बात दूध की आई तो देखते हैं कुछ फैक्ट महत्वपूर्ण। अभी जनगणना हुई थी, ठीक है, कौन सी थी, 20वीं पशु गणना हुई। दोस्तों 20वीं पशु गणना कब हुई, ये हुई 2019-20 में, 2019-20 के अंदर हुई। अगर पूछ ले प्रथम पशु गणना कब हुई भारत के अंदर, प्रथम पशु गणना अंग्रेजों के टाइम पे 13 अप्रैल 1919 का दिन आ गया। काला रे देशभगत एक सभा कर रहे थे, वाग थदलिया वाला रे, डायर लेके पुलिस पहुंच गया, कोनी करी दया बेटा, और मर्द लुगाई बालक मुन्ने कोनी करी दया बेटा, उद्धम सिंह सुन लाल मेरे तू कान उड़ी ने ला बेटा, और उस डायर ने मार गिरा दे जिसने कर दिए गा बेटा। आपको पता है जलियांवाला बाग 13/4/1919 को वो घोर दिन आया, अंधकार में दिन आया, जनरल डायर ने पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया, ठीक है। तो 1919 से आपको याद करना है। इसकी फिर जांच के लिए हंटर आयोग की गठन भी की गई था, ठीक है ना, हंटर आयोग पूछा जा सकता है। शैफुद्दीन किचलू भाषण दे रहे थे वहाँ पर, और आपको पता ही है। प्रथम पशु गणना की बात करें तो दोस्तों 1919 में, और पंजाब 1919-20 में हुई। और अगर बात करें हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ खुला था शुरुआत में, अगर बात करूँ तो ये खुला था लाहौर में। और इसके सरसादीलाल प्रथम अध्यक्ष पूछ ले तो सरसादीलाल थे। हरियाणा और पंजाब का ये लाहौर में था, सरसादीलाल सर्रेवाड़ी से संबंध रखते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट की बात करें, वर्तमान में कहाँ है, चंडीगढ़ में, ठीक है। तो पशु जनगणना देखनी है हमें, ठीक है। 20वीं पशु जनगणना, प्रथम पशु जनगणना। अगर पूछ ले स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई, तो 1949 के अंदर। अगर पूछ ले हरियाणा की प्रथम पशु गणना अगर आपसे पूछे पशु गणना, तो 1969-1969 के अंदर होती है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। 20वीं पशु गणना कब हुई, 2019-20 में। प्रथम पशु गणना 1919-20 में, 1919-20 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम, क्योंकि 1947 में हम आजाद हुए, तो उसके बाद में प्रत्येक 5 वर्ष, ठीक है। अगर पूछ ले पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है,
अंतराल पर होती है, तो आपका आंसर होगा 5 वर्ष। अगर मानव गणना पूछ ले, मानव गणना तो ये होती है, आपको पता है 1871 में शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो, और फिर नियमित जनगणना 1872 में हुई, फिर 1881 में हुई लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। ठीक है, मानो 10 अब 2021 में होगी, होने जा रही है, तो उसके आंकड़े 2022 तक हमारे पास पहुंचेंगे, 2011 में हुई थी। लेकिन ये अगर पूछ ले 19वीं कहाँ हुई थी, 19वीं पशुगणना कहाँ हुई, तो ये हुई आपकी 2012 में हुई थी 19वीं पशुगणना, और 7 वर्षों के अंतराल पर हुई है। अगर पूछ ले 19वीं व 20वीं पशुगणना के मध्य अंतर आपसे पूछ ले तो क्या करोगे, अंतर क्या करोगे आप, 7 वर्षों के अंतराल पर ये हुई, होनी कितनी थी 5 वर्षों के अंतराल पर, लेकिन 7 वर्षों के अंतराल पर ये हुई है। यहाँ से इतनी बातें आप नोट करें भाई, देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वो अच्छे से करवाने की हमारी कोशिश रहेगी पूर्णतः। अब हम हरियाणा में देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा में देखेंगे कौन कितने कहाँ हैं। अगर पूछ लूँ सर्वाधिक पशुधन बताओ, तो बताओ शाबाश, कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन कहाँ पाया जाता है। पशुधन का मतलब उसमें गाय भी, बैल भी, घोड़े भी, खच्चर भी, सबसे ज़्यादा अगर टोटल काउंटिंग करें तो हरियाणा का सर्वाधिक पशुधन वाला जिला पूछे तो क्या करोगे, आंसर आपका क्या होगा, हिसार होगा। अगर पूछ ले हरियाणा का न्यूनतम पशुधन वाला जिला, यानी कि सबसे कम किसमें है, तो पंचकुला में। सबसे ज़्यादा पूछ ले तो हिसार में, सबसे कम पूछ ले तो कहाँ है, पंचकुला के अंदर है। हरियाणा का सर्वाधिक बताओ शाबाश, हरियाणा का प्रथम, देखो यहाँ से आप रिपीट करेंगे थोड़ा सा, हमने क्या देखा, अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे 19 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय, बात करूँ दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, राष्ट्रीय संविधान दिवस, अगर हमारा संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ वो, फिर हम आ गए थे दुग्ध की बात करी थी, दुग्ध के जनक कौन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो कौन है, वर्गीज कुरियन है, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में फिर हमने बाल दिवस को भी देखा। अब बात दुग्ध की आ रही, तो हरियाणा में 20वीं पशुगणना हम पढ़ेंगे, हरियाणा का सर्वाधिक पशुधन, यानी कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालोगे ना बच्चों, तभी कामयाबी है। और मैं तो ये कहूँगा ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी तक हम पूरा सिलेबस करवा सकते हैं, लेकिन आप लोगों का साथ भी चाहिए। अगर मन बना ही लिए हैं ऊंची उड़ान का, अगर आपने मन बना ही लिए हैं ऊंची उड़ान का, तो कद क्या देखना आसमान का, ठीक है, कद कभी नहीं देखना चाहिए आपको, कदमों में हाव होगा आपका वो कद जो है, ठीक है, हरियाणा का सर्वाधिक। और देश के गद्दारों के लिए भी दो लाइन है कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है, और तो क्या कहूं रे प्रिय देशवासियों, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा वतन बिक रहा है, मेरा वतन बिक रहा है। आगे देखेंगे दोस्तों, अब सबसे ज्यादा पशु लेके चलेंगे, एक वन बाय वन करेंगे। HR यानी कि हरियाणा का सर्वाधिक भैंस वाला जिला कौन सा होगा, हिसार, ठीक है। हरियाणा का सर्वाधिक ऊंट, गाय और बकरी, तीनों का एक ही है वाला जिला कौन सा होगा आपका, सिरसा होगा। हरियाणा का सर्वाधिक भेड़ अगर पूछ लो तो भिवानी, वैसे भिवानी भेड़ वाला जिला भिवानी, ठीक है। अब आगे हम करेंगे, ठीक है, ये हमने कर लिए, अब यहाँ देखेंगे कुछ। हरियाणा का सर्वाधिक खच्चर कहाँ पाए जाते हैं, झज्जर में, द्वितीय व्यंजन आ रहा है, द्वितीय व्यंजन झज्जर में, खच्चर पूछ ले तो झज्जर में। हरियाणा का सर्वाधिक सूअर पूछ ले तो सोनीपत
हरियाणा में सर्वाधिक कुत्ते पूछे, कुत्ते कहाँ हैं? कुत्ते यही हैं, गलियों में अंड है घूमते फिरते, ठीक है। कुत्ते कहाँ हैं? कुत्ते गुरुग्राम के अंदर हैं, गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा में सर्वाधिक गधे पूछ ले, तो गधे आपके पलवल में, गधे आपके पलवल में। हरियाणा में सर्वाधिक हाथी पूछ ले, हाथी, ठीक है, हाथी कहाँ है? बन संतोर, यमुनानगर। ये क्वेश्चन भी आया था सब इंस्पेक्टर में, जो 26 सितंबर 2021 को पेपर SI का मेरा भी था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि बन संतोर के जंगल कहाँ पाए जाते, तो कहाँ पाए जाते हैं? यमुनानगर के अंदर। कहाँ करोगे बच्चों? यमुनानगर के अंदर आप करोगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं रामफल टीम से कहूँगा, आह्वान करूँगा कि बिल्कुल HD वीडियो प्रोवाइड करवाएं बच्चों को, ताकि दिखे जैसी लिखाई तो वह ऐसी है मेरी, ठीक है। हाथी वाला जिला बन संतोर यमुनानगर है। हरियाणा का सर्वाधिक खच्चर झज्जर में, सुअर सोनीपत में, कुत्ते गुरुग्राम में, गधे। अब घोड़े, हरियाणा में सर्वाधिक घोड़ों की जिक्र करो, घोड़े, तो घोड़े कहाँ है? करनाल में है घोड़े। तो अगर बात करूं मैं पोनी यानी कि टट्टू, टट्टू टट्टू का मतलब होता है घोड़े के बच्चे, पोनी कहाँ है? तो ये गुरुग्राम हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हरियाणा में, हरियाणा में सर्वाधिक बिल्लियां, हरियाणा में सर्वाधिक बिल्ली कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में सर्वाधिक बिल्ली अगर मैं पूछ लूँ, हरियाणा में सर्वाधिक बिल्ली आपकी नूह में, नूह यानी कि मेवात में। हरियाणा में सर्वाधिक खरगोश और चूहिया, चूहे, ठीक है ना, चूहे, चूहे कहेंगे, चूहे। तो जहाँ पर चूहे ज़्यादा वहाँ पर बिल्लियाँ ज़्यादा, बिल्लियाँ ज़्यादा खरगोश, खरगोश और चूहे ज़्यादा वहाँ बिल्लियाँ भी ज़्यादा ही मिलेंगी, तो आपका नूह ही आएगा, नूह, नूह। मेरे ख्याल से सभी हो गए, कोई नहीं रहा, ठीक है ना, मेन तो यही है, ठीक है। अच्छा, असम अनुसंधान संस्थान इसारा की स्थापना कब हुई, ये आगे बताऊंगा, पहले नोट करो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। कुत्ते कर लिए हमने, घोड़े कर लिए, खच्चर कर लिए, भैंस कर लिए, हाँ, हरियाणा में सर्वाधिक झोटे, झोटे पूछ ले या भैंसे पूछ ले, भैंसे पूछ ले तो क्या करोगे आप? तो जींद, जींद की झोटा बुग्गी पूरे भारत में प्रसिद्ध है ना, तो जींद हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? जींद हो जाएगा। हरियाणा का सर्वाधिक खच्चर झज्जर, सुअर सोनीपत, कुत्ते गुरुग्राम में, गधे पलवल में, हाथी बन संतोर यमुनानगर में, घोड़े करनाल में, पौनी टट्टू गुरुग्राम में। हरियाणा का सर्वाधिक भैंस वाला जिला हिसार है, सर्वाधिक ऊंट वाला जिला सिरसा है, बकरी वाला सिरसा है, गाय वाला भी सिरसा है। अगर पूछ ले हरियाणा में सर्वाधिक गोवंश, हरियाणा में सर्वाधिक गोवंश, गोवंश का मतलब ये बछड़े, बछड़ी और गायें और बैल सब कुछ आ गए, तो आपका सिरसा होगा, आपका सिरसा होगा, ठीक है, सिरसा होगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम काफ़ी क्वेश्चन हमारे रहते हैं वो भी करने हैं। दोबारा से देख लो, 20वीं पशु जनगणना की बात कर रहे हैं, कब हुई? 2019-20 के अंदर। सर सर पानी देना थोड़ा, मेरी टीम से आग्रह करूंगा कि मेरे को पानी प्रोवाइड करवाया जाए। हरियाणा में सर्वाधिक खच्चर झज्जर में, सुअर सोनीपत में, कुत्ते। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं बच्चों, ठीक है ना, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, हमारा क्या है, हम तो फकीर हैं, झोली उठा के चल पड़ेंगे, वही बात है। लेकिन आप लोगों के लिए बच्चे, आपके सुदृढ़ भविष्य के लिए, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, आपसे हम कुछ नहीं ले रहे, लेकिन जब आप लग जाओगे तो हमें बहुत खुशी का अनुभव होगा, और खुशी वास्तव में होती है जब अपने बच्चे सेलेक्ट होकर हरियाणा पुलिस में, दुर्गा शक्ति में, कोई कमांडो में जाता है। देख सकते हो आप दोबारा से कि 20वीं पशु गणना हुई है, ठीक है, 2019-20 में हुई है, प्रथम 1919-20 में हुई थी, उसी सन की बात है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, आपको पता ही है, ठीक है। अगर स्वतंत्र भारत की पूछे तो 1949 में प्रथम, अगर हरियाणा बना उसके बाद कब हुई तो 1969 में हुई, अब 20वीं हुई है, तो उसमें उसके अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक भैंस हिसार में है, ऊंट गाय बकरी सिरसा में है, भेड़ भिवानी के अंदर है, झोटा भैंसे जींद के अंदर है। हरियाणा में सर्वाधिक बिल्ली नूह में, खरगोश नूह में, चूहे भी नूह के अंदर, मेवात के अंदर। हरियाणा में सर्वाधिक गोवंश सिरसा के अंदर। हरियाणा में सर्वाधिक खच्चर झज्जर के अंदर, सुअर सोनीपत में, कुत्ते गुरुग्राम में, गधे पलवल में, हाथी बन संतोर यमुनानगर में, घोड़े करनाल में और पोनी गुरुग्राम में, ठीक है। इस प्रकार आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निरंतर आगे हम बढ़ते हैं, क्लास ऐसी ऐसी सुचारू रहेगी, करंट अफेयर के काफी क्वेश्चन में लेके आपके मध्य हुआ हूं।
ठीक है ना। अब हम देखेंगे हरियाणा में गाय का दूध कितना होता है, भैंस का कितना होता है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में हरियाणा का देश में स्थान। तो पहले यूपी आ गया था, अब हरियाणा आ गया, गया हरियाणा है, एचआर है भाई। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में देश में प्रथम स्थान किसका है, दूध का है। अगर बात करूं गाय का दूध प्रतिदिन कितना होता है, हमारे प्रोडक्शन 2207 टन। अगर बात करूं मैं भैंस की तो 9474 टन। अगर बात करूं मैं बकरी की तो 52 टन। इस प्रकार 7 और 4 11 और 2 13 का 3 असला की 1, 8 और 5 13 का 3 असला की 1, 7 और 9 और 2 11, 11,733 टन हमारे दूध होता है प्रतिदिन, प्रतिदिन प्रतिदिन प्रोडक्शन, ठीक है। उत्पादन कितना होता है, एक दिन का उत्पादन है गाय का दूध कितना हरियाणा के अंदर एक दिन में, 2,207 टन, भैंस का 9,474 टन, बकरी का 52 टन, कुल मिलाए 11,733 टन दूध हमारे यहाँ होता है, ठीक है, दूध उपलब्ध है। ये बातें भी आप नोट कर सकते हो। प्रति व्यक्ति हरियाणा का है कितना है, 1,344.7 ग्राम, 0.70 ग्राम कर सकते हो आप, 1,344.70 ग्राम है, ठीक है। प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, दूध उपलब्धता कितनी है अगर पूछ लिया जाए तो 1,344.70 टन है। जल्दी जल्दी नोट किया करो बच्चों, ताकि फिर आगे बढ़े हम, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको आप वो करते रहो। आगे चलते हैं। अगर देखो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में देश हरियाणा का देश में स्थान प्रथम है, अगर स्थान ये मैं लिखना भूल गया, फर्स्ट है, फर्स्ट रैंकिंग है हमारी। कितना है, 1,344.70 टन प्रति व्यक्ति दूध में उपलब्धता में प्रथम है। गाय का दूध कितना होता है, 2,260 टन, भैंस का 9,474 टन, बकरी का 52 टन। ये बातें आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, शाबाश। हरी का हरियाणा राज्य तो दूध दही का खाना, बड़ा काम हम क्या मानना सादा तन पैवाना, हरी का हरियाणा राज्य दूध दही का खाना रे। 1 नवंबर 1966 ने प्रदेश बनायू हमारा, जिले 22 तहसील 93 मजन, 2.5 करोड़ का लंबा लारा, हरियाली ते सह परिपूर्ण न्यू लाग गया सबने प्यारा, यो जाने से जगत सारा डवे गीता ज्ञान सुनाना, हरी का हरियाणा राज्य दूध दही का खाना। ढोलक पेटी और नगाड़े तरह तरह के बाजे साज, गेहूं ज्वार बाजरा खड़ा तरह तरह के देखो नाज, छोटे बड़े की शर्म और लिहाज सादा तन पैवाना, हरी का हरियाणा रे जिद्दू दही का खाना। 1 नवंबर 1966 ने प्रदेश बनाया था हमारा, हरी का हरियाणा जिद्दू दही का खाना। तो हमारा हरियाणा तो ऐसे भाई हंसते खिलखिलाते, यहाँ के लोग, यहाँ की वेशभूषा वास्तव में देखने दर्शनीय प्राप्त है। आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ, अब से डेली वीडियो होगी किस पे, ये बड़ा स्कूल के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, बड़ा स्कूल के ऊपर। ये आपका जो मैंने लिख रखा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को भी आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इन दोनों ही चैनलों पर अब डेली की डेली वीडियो आपको मिला करेंगी, दोनों ही चैनलों के ऊपर। सीजी क्लासेस गुना, इसके 2300 सब्सक्राइबर हैं, इसके इसको शेयरिंग का जुट्टा मार दियो भाई साहब, 1000 सब्सक्राइबर जो भी आप कर दोगे, हम लाइव आएंगे, हम लाइव आएंगे, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ फाउंडेशन है, तब हम लाइव नहीं आ पाते। लाइव आने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, वो आप लोगों का सहयोग, आपका प्रेम ही बना सकता है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स की। हरियाणा में दूध की प्रथम डेयरी कब खुली, अगर प्रश्न आ जाए, हरियाणा में दुग्ध की प्रथम डायरी, प्रथम डायरी कहाँ खुली दूध संयंत्र, तो 5 दिसंबर 1970 को जींद के अंदर, जींद के अंदर 5 दिसंबर 1970 को जींद के अंदर क्या खुली, हरियाणा की प्रथम दूध की डायरी। खाया करो रे गबरुओ, जुआन हो गए अन्यथा कुछ नहीं होगे, जान है तो जान है।
आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर के। हमने 20वीं पशु जनगणना को पूरे देखा बारीकी से। देश की पहली साइबर तहसील कहाँ है? ये क्वेश्चन है कि देश की प्रथम साइबर तहसील कहाँ है, अगर आ जाए तो। ये आपकी बन रही है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, यहाँ तक मत जाओ, सीएम आज तक पूछे नहीं गए। आप कैपिटल याद रखो इसका। हाईकोर्ट कहाँ है? हाईकोर्ट है सी, हाईकोर्ट है जबलपुर में। हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर के अंदर है। अगर हाईकोर्ट पूछ ले तो मध्य प्रदेश का जबलपुर के अंदर है। ठीक है, अच्छा, ये क्यों बनाई गई भूमि संबंधी विभाग? इसका उद्देश्य क्या है? भूमि संबंधित विवादों का शीघ्र निपटारा, शीघ्र निपटारा, इसके लिए ये बनाई गई है दोस्तों, भूमि सुधार के लिए शीघ्र निपटारा। ई लोक अदालत कहाँ आरंभ हुई? ठीक है, अगर प्रश्न पूछ ले ई लोक अदालत, ई लोक अदालत पूछ ले तो ये आपका आएगा छत्तीसगढ़। ये आपका छत्तीसगढ़ रहेगा, और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है बताओ? झारखंड की राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है, अगर पूछ ले तो आपसे। देश की प्रथम साइबर तहसील मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर के अंदर, भूमि संबंधित विवादों का शीघ्र निपटारा, ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ रायपुर। 100% एलपीजी भूमि सुधार संशोधन कब हुआ? तो पहला ही संशोधन था 1951 में। अगर पूछ ले भूमि सुधार संशोधन कब हुआ तो 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन ही भूमि सुधार संशोधन इससे संबंधित था। ठीक है, संशोधन संबंधित था इससे। आगे चलते हैं दोस्तों, 100% गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? क्वेश्चन क्या है? 100% गैस, सर 100% गैस कनेक्शन देने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो एचपी हरियाणा पुलिस मत सोच लेना, राज्य की बात हो रही है। ठीक है, एचपी बोला हाफ पी, आधा पुआ पी है। ये हिमाचल प्रदेश की बात है बच्चों, हिमाचल प्रदेश की बात है। अगर अगला क्वेश्चन देखिए, 100% हर घर जल, 100% हर घर जल देने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? मेवात बना है, ये गोवा बना है आपका, गोवा। ठीक है, गोवा मेवात तो जिला है भाई, नूह वर्तमान में नाम भी नूह है। 100% रेबीज मुक्त, 100% रेबीज मुक्त राज्य भी कौन सा है आपका? गोवा है, आपका गोवा है। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। और हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की शिमला है। राज्य राजधानी भी हम साथ के साथ कर रहे हैं ताकि आपको आसान रहे, अगर आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। बालिका पंचायत कहाँ पर गठित की गई? अगला क्वेश्चन है, देखो 100% गैस कनेक्शन देने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश, 100% हर घर जल देने वाला गोवा पणजी, और 100% रेवीज मुक्त गोवा। ठीक है, अब बात है बालिका पंचायत कहाँ पर गठित की गई है? देखो शाबाश, बालिका पंचायत कहाँ पर गठित की गई है? तो ये आपकी है कुनरिया, एक जगह है गुजरात के अंदर। यहाँ पर क्या की गई है? बालिका पंचायत का गठन कहाँ हुआ है? 100% हर घर जल देने वाला राज्य कौन सा है आपका? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला भारत का प्रथम राज्य मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा बताओ? शाबाश, हिमाचल प्रदेश। राजधानी क्या है? शिमला है। और मध्य प्रदेश की भोपाल है, और गोवा हमने किया तो पणजी है। ठीक है, तो एसबी गंगवा सर भी हमारे मैनेजमेंट टीम में है, ये बिल्कुल आपको लाइव ब्रॉडकास्ट दिखा रहे हैं एसबी गंगवा सर, और बहुत मेहनत करते हैं हर क्षेत्र के अंदर, हर फील्ड का ज्ञान रखते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे हमारे दोस्त हमारे साथ निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाने की इस मुहिम में हमारे साथ खड़े हुए हैं। अब राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय यूथ डे, नेशनल यूथ डे, युवा दिवस
युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को। अगर पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है पूछ ले, तो वो कब आएगा? 12 अगस्त को आएगा। तीन दिन और महत्वपूर्ण आपको मैं याद करवा रहा हूँ। 21 जून को क्या होता है? इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, और इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है? 12 अगस्त को, और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 जून को भी एक दिन होता है भाई, 23 जून को ओलंपिक दिवस अगर आपसे पूछ ले तो कब होगा ओलंपिक दिवस? 23 जून को, 23 जून की बात है 1894 के अंदर पियर डे कोबर्टिन ने और देमित्रिस वेनेलेस की अध्यक्षता में एक गठन किया था, एक इंटरनेशनल आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, और हेडक्वार्टर इसका पूछ ले, हेडक्वार्टर कहाँ है? ल्यूसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ल्यूसाने आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? कब स्थापना हुई? 23 जून 1894 को। किसने स्थापना करता है पियर डे कोबर्टिन, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देमित्रिस वेनेलस इसके प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में अगर अध्यक्ष पूछ ले तो थॉमस बोक हैं, और कहाँ के हैं जर्मनी के हैं। यह आपको इतनी बातें याद होना चाहिए। तो आज के लिए मेरे ख्याल से दोस्तों इतना काफ़ी है, तीन दिवस और करवाऊंगा, क्योंकि बहुत ही दुख की बात है, बहुत बहुत शोक की बात है कि कल हमारे बीच में CDS मुख्य सैन्य कमांडर थे, तीनों सेनाओं के एक अलग से स्टाफ था CDS, ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ जो थे हमारे, जो नेतृत्व करता थे विपिन रावत जी हमें छोड़कर चले गए हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और 14 मेंबर थे, राहत और बचाव कार्य जारी हैं, लेकिन भाई हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और वहां पर क्रैश हो जाता है, और बहुत हृदय को विदारक घटना है। हमने बहुत महान हस्ती को खो दिया है दोस्तों, शहीद हो गए हैं विपिन रावत जी। बहुत बहुत बड़ा आघात दिल को पहुंचा जब मेरे को ये सूचना मिली, क्योंकि भाई सेना तो सेना है, आर्मी के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, चाहे वो नेवी की बात हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे वायुसेना हो, थल हो, जल हो, तीनों सेनाओं के बलबूते मैं आज आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देश की सरहद पर हमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो बात करेंगे 15 जनवरी को 8 अक्टूबर को, और बात करेंगे 4 दिसंबर को, क्या आता है इन दिनों को? ठीक है ना, दोबारा लिखता हूँ। अगर पूछ ले एयरफोर्स आर्मी नेवी डे पूछ ले कब आता है डे, तो नेवी में 4 ही वर्ण है, देखो नेवी में 4 ही हैं, तो 4 दिसंबर को आता है प्रत्येक वर्ष नेवी डे। एयरफोर्स में 8 है, AIR एयर FORSCE फोर्स, तो इसमें 8 अक्टूबर को, और आर्मी के 3 जोड़ दो 4, ठीक है, आर्म माने हथियार। युवा डे कब मनाते हैं? 12 को, युवा के हाथ में आर्म दे दे तो वो जवान बन जाता है, और 3 जोड़ेंगे 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 जनवरी को। ये ट्रिक देखो कितनी शानदार जानदार है, ठीक है ना, देखो युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। आर्म, युवा को आर्म दे दो, हथियार दे दो, क्या बन जाएगा? जवान बन जाएगा, फौजी बन जाएगा। 15 जनवरी को आर्मी डे, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, और नेवी डे 4 दिसंबर को, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 जनवरी को। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, कोई भी नोट्स PDF की जरूरत पड़े तो हमारा एग्जाम पथ ऑनलाइन टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, CG क्लासेस भुना को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा स्कूल। और कोई भी बच्चा अगर बाहर से आगे पढ़ना चाहता हो तो मैं ये घोषणा करता हूँ, भुना के अंदर हमने चाणक्य गुरुकुल ओपन किया हुआ है, जिसके दूर दराज के बच्चे आकर वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं। चाणक्य गुरुकुल बिल्कुल गुरुकुल के जैसा माहौल है, प्राचीन काल में जैसे गुरुकुल हुआ करते थे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपका कोई बहन भाई 6ठी से लेकर MA तक ट्यूशन भी पढ़ना हो, वैसे हम ग्रेजुएशन करवाते हैं, मास्टर डिग्री करवाते हैं, ठीक है ना, प्राइवेट फॉर्म भरवा के ट्यूशन पढ़ा देते हैं उस बच्चे को, और कंपटीशन एग्जाम का तो हब बन चुका है चाणक्य गुरुकुल भुना,
ठीक है ना। तो आप आए, अपने बच्चों को भेजें और बदलाव देखें। जय हिंद जय भारत दोस्तों। आप हमें अपना बच्चा सौंपें, हम आपको उसका सिलेक्शन सौंपेंगे। नमस्कार। जय हिंद जय भारत दोस्तों।